भवन मंत्रालय में बुलाया, जिसमें हम प्रतिनिधिमंडल के रूप में 5 लोग वहां पर पहुंचे, जिसमें बड़े भाई सुनील परिहार जी, बीएम खान जी, मैं स्वयं संतोष कहा, रविकांत गुप्ता जी और सुनील विश्वकर्मा जी, 5 लोग वहां पर पहुंचे। और शिक्षा मंत्री महोदय जी की उपस्थिति में वहां पर शिक्षा विभाग से आयुक्त महोदया शिल्पा गुप्ता जी भी वहां मौजूद थी। उनके समक्ष हमने अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में सर्व प्रमुख मांग जो हमारी है, जो कई वर्षों से चली आ रही है, जिसके लिए हम कईयों बार भोपाल की सरजमी पर आंदोलन कर चुके हैं, तो प्रमुख मांग हमारी है अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित शिक्षक बनाया जाए, अथवा अतिथि शिक्षकों का 12 माह का सेवा काल अनुबंध करते हुए 62 वर्ष तक हमारा पद स्थायित्व किया जाए और हमारे कार्यरत पद को रिक्त ना माना जाए। ये हमारी प्रमुख मांग थी। तात्कालिक कुछ हमारी जो मांगे अतिथि शिक्षक भाइयों के साथ समस्या बनी हुई है, वह पहली मांग थी, इसमें संस्कृत कपल H2 में से पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनके स्कोर कार्ड पैनल में SSS1 वाले को संस्कृत SSS2 में नियुक्ति का ऑप्शन स्कोर कार्ड में अंकित करते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन नियुक्ति दी जाए, ये मांग हमारी मान ली गई है। दूसरी हमारी मांग थी, वर्तमान में स्कोर कार्ड में जोड़े गए प्रतिवर्षानुसार 4 अंक को हटाए जाए तथा अनुभव के आधार पर प्रतिवर्षानुसार 10 अंक बोनस, अधिकतम 150 अंक बोनस के स्कोर कार्ड में जोड़े जाए। इस पर सहमति बनी है, 150 तो नहीं लेकिन अधिकतम 100 अंक तक यहाँ पर मिलने की संभावना है। तीसरी मांग हमारी थी कि जो अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 में से कोई भी पात्रता परीक्षा 2008, 11, 2018, 2020, 2023 उत्तीर्ण है, उसे स्कोर कार्ड में जोड़कर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के 30 अंक स्कोर कार्ड में अंकित किए जाएं। इस पर चर्चा अधूरी रह गई है, इस पर सहमति नहीं बनी। किंतु अगली जो मांग है, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों को 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण माना जाए, इस पर भी सहमति नहीं बनी। अगली मांग जो हमारी थी, उच्च पद प्रभार स्थानांतरण सीधी भर्ती अतिशेष शिक्षकों के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों की सर्वप्रथम चॉइस फिलिंग कराते हुए इन्हें नियुक्ति दी जाए, तो इस पर सहमति बनी है। कि और शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस पे कुछ विचार होना चाहिए। अब अतिथि शिक्षकों को पूरे 10 माह का अनुबंध किया जाना चाहिए, बीच में इनके पद को रिक्त नहीं माना जाना चाहिए और काम करने वाले अतिथि शिक्षक को 20 सत्र में बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आप काम करें और आदेश जारी किए, ऐसा निर्देश अधिकारियों को दिया गया। अगली मांगे, प्राथमिक अति शेष शिक्षकों को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं में प्रयोगशाला सहायक पदों पर दी गई नियुक्ति को निरस्त किया जाए, विज्ञान विषय के अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा का अवसर दिया जाए, इस पर भी सहमति बनी है। इस पर संज्ञान लेकर काम करने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। अगली मांग हमारी थी, अंग्रेजी ये तो खैर हो गया है, विगत सत्र 23-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को सत्र 24-25 में नियुक्ति दी जाए, इस पर शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिए अधिकारियों को, क्योंकि हम जिन नियमित शिक्षकों को 70,000 से 80,000 रुपए वेतन देते हैं और उनका 30% से कम परीक्षा परिणाम आता है, तो उनके साथ आप क्या करते हैं? जब उन्हें नहीं हटा सकते तो इन बेचारे अतिथि शिक्षकों को 3-3, 4-4 महीने के लिए जो रखा जाता है, इन्हें क्यों उसका दोषी साबित कर रहे हो? इन्हें फिर से पढ़ाने का मौका देना चाहिए, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। अगली मांग है, पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों को तत्काल सुधार किया जाए, क्योंकि जहां रिक्त पद है वहां पोर्टल में रिक्त पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, जहां रिक्त पद नहीं है वहां रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसके कारण चॉइस फिलिंग करने में बहुत सारी स्थितियां अतिथि शिक्षकों में बनी हुई है। चॉइस फिलिंग में वर्तमान में परिवर्तन कर क्रमशः 1, 2, 3 वर्गवार व विषयवार कराई जाए चॉइस फिलिंग, क्योंकि अभी एक साथ पूरी चॉइस फिलिंग कराई जा रही है, जिसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना
करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को, तो इन समस्त मांगों को लेकर आज हमने चर्चा किया, जिसमें से कुछ हमारी वर्तमान समस्या तो समाधान करने के लिए कहा गया है, किंतु हमारी जो लंबित मांग है उस पर अभी ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है। हम इंतजार करेंगे कि वर्तमान समस्याएं 30 सितंबर तक दूर होती है, इनके आदेश जारी होते हैं या नहीं होते। नहीं होते की स्थिति में हम 2 सितंबर को पुनः भोपाल की जमीन पर, 2 अक्टूबर को भोपाल की सरजमी पर फिर से हम दोगुनी संख्या के साथ आंदोलन करेंगे। उनके ऐसी नीति बनाइए जिससे रिक्त पदों में समायोजित इनको किया जा सके, उनको रोजगार पुनः मिल सके, ऐसा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया है। और हम अगर हमारी वर्तमान समस्या सुलझ जाएगी और हमारी लंबित मांग जो पदस्थायित्व की है इस पर भी कुछ ऐसे संज्ञान हमें मिलेंगे कि भविष्य सुरक्षित होगा, तो हम 2 अक्टूबर को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का सम्मान करेंगे। और यदि नहीं होती तो फिर हम पुनः आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भैया जी, बहुत लोगों का सवाल है कि यहाँ की सरकार से लड़ते हैं, बहुत लोग बैठे क्या सरकार के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के साथ से बोल नहीं पाते। देखिए, मैं आप सभी के सामने स्पष्ट कर दूं, यदि आपको नियमित होना है तो कभी आगे भी बढ़ना पड़ेगा, कभी पीछे भी हटना पड़ेगा। रही बात सरकार से डरने की, यदि सुनील परिहार इस आंदोलन में भाग नहीं लेता तो किसी भी स्थिति में कल का जो शानदार प्रदर्शन रहा है कभी नहीं होता। और मैं स्टाम्प पे लिखकर दे सकता हूँ, सुनील परिहार के अलावा मध्य प्रदेश में एक भी पदाधिकारी यदि किसी में दम है तो वो आने वाले समय में 10 मिनट के लिए भी रोड पर बैठ के दिखा दे। बिना अनुमति के सुनील परिहार ने, बिना अनुमति के हजारों लोगों को 10 मिनट नहीं, कम से कम 10 घंटे रोड पर बैठा दिया। और रही बात डरने की, यदि सुनील परिहार डरता होता तो कल जो अनुमति कैंसिल की थी, डीसीपी महोदय ने स्पष्ट कह दिया था अतिथि शिक्षकों को भोपाल में घुसने नहीं देंगे, उसके बाद भी